काफी टाइम से मार्केट में नया एप्पल का फोन लॉन्च नहीं हुआ था, लेकिन अब एप्पल ने एक नया बजट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। अगर आप भी एप्पल का ऐसी लेना चाहते हैं, हाँ हाँ ऐसी आईफोन ऐसी, तो आपको भी कुछ चीजों के साथ में तगड़ा वाला कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इसे बेसिकली बाकी फ्लैगशिप टाइप आईफोन जो कि मार्केट में है उन पर छोटा भाई भी कह सकते हैं। अब जहाँ तक कि मुझे पता है, आईफोन का ये अब तक का सबसे बजट स्मार्टफोन है, जिसकी कीमत है 42,000 रुपीज। वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें A13 बायोनिक प्रोसेसर है जो कि आईफोन 11 में देखने को मिलती है, और ये बहुत ही फास्ट चिप है। इसका मतलब ये है कि इस फोन में परफॉर्मेंस के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और जहाँ तक की बात करते हैं कैमरा की, तो ये कैमरा यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ में दिया जाता है। और वैसे भी अगर बात करते हैं आईफोन के कैमरे की, तो वो हमेशा ही बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, यानी कैमरे के साथ में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया जाएगा इसमें। जहाँ तक ये बात करते हैं इसके रियल कैमरे की, वो देख काफ़ी बेटर ही होगा, बाकी जो फ्रंट कैमरा है उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, बट हाँ ओवरऑल जो कैमरा क्वालिटी होगी वो काफ़ी अच्छी ही होगी इसमें। लेकिन जब बात आती है डिज़ाइन की, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा ही कम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप भी चाहते हैं एक आईफोन लेना और वो भी बजट में, तो ये आपके लिए उतना बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता है यदि आपको बड़ी डिस्प्ले पसंद है तो, क्योंकि इसमें 4.7 इंच की डिस्प्ले दी गई। अब ऐसे में जहाँ पे कंपनी नॉच, पॉपअप और पंच होल डिज़ाइन ऐसी डिस्प्ले की बात कर रही हैं, ऐसे में आईफोन ऐसी में बड़े बड़े वेजल वाला 4.7 इंच का डिस्प्ले दिया गया। आज के टाइम में हर इंसान आईफोन लेते टाइम या कोई भी फ़ोन लेते टाइम डिस्प्ले के लिए ये पूछता है कि भाई इसमें 6.2 इंच की डिस्प्ले दी गई है, 6.5 इंच की, लेकिन इस फ़ोन में आपको केवल 4.7 इंच की डिस्प्ले दी गई। अब इस प्राइस में बजल वाले फ़ोन को लेने के बाद में कुछ समय बाद ये ओल्ड साई फील होगा। अब इस फ़ोन की परफॉर्मेंस तो आईफोन 11 की दी गई, लेकिन लुक और डिज़ाइन आईफोन 8 का है। सीधे शब्दों में हम इसको समझ सकते हैं कि फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस को आईफोन 8 में पैक करके न्यू आईफोन SE को जन्म दे दिया गया। अब देखिए एक फ़ोन बनाते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट डिज़ाइन, इसमें फ़ोन की डिज़ाइन, कलर, साइज़, फ़ोन मटेरियल या फ़ोन बॉडी मटेरियल, इसको तय किया जाता है। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट मेकिंग, मतलब कोई भी स्मार्टफोन है जो भी बनता है उसमें अलग अलग कंपोनेंट यूज होते हैं, जिनको या तो प्रोडक्शन लैब में बनाते हैं या कहीं और से असेंबल करते हैं। इसके बाद में उसकी टच सेंसिटिविटी, फ़ोन के इंटरनल फीचर और टेस्टिंग आदि की जाती है। अब फ़ोन की डिज़ाइन डिस्प्ले में बहुत सारा टाइम और पैसा खर्च होता है जो कि कंपनी बचा रही है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इस फ़ोन को गेमिंग के लिए ख़रीदना, तो ये आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे पाएगा, क्योंकि छोटी डिस्प्ले होने के कारण गेमिंग अच्छे से नहीं की जा सकती है। एक पॉइंट और भी है इस फ़ोन को ना ख़रीदने की, और ये बहुत बड़ी वजह बन सकता है, वो ये है कि USA में इसकी जो प्राइस है वो 30,000 है, लेकिन जब इंडिया में आता है तो वही 42,000 हो जाती है। अगर कोई भी फ्लैगशिप फ़ोन है जो कि लगभग 1 लाख के अराउंड है, आप उसे ले रहे हो, तो उसे लेते टाइम ये अंतर ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन एक बजट फ़ोन, जब आप कोई एक बजट फ़ोन ख़रीद रहे हो वो भी आईफोन, तो ये जो डिफरेंस है ये काफ़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा लगने लगता है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप एक बजट स्मार्टफोन ख़रीदना चाहते हो, वो भी आईफोन ही ख़रीदना चाहते हो और वो भी एक नॉर्मल यूज़ के लिए, तो आप इसे ख़रीद सकते हो। बाकी आपकी क्या राय है इस फ़ोन के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली के मेम्बर से ज़रूर बने।